हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर मैथ्स की ट्रिक के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। सुनो क्वेश्चन, यहां पर एक न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखी हुई है जो डिवाइड हो रही है एक न्यूमिनेटर से, बहुत बड़े बड़े नंबर है। ऐसे नहीं करना है आपने कि आप इसको इससे डिवाइड करोगे या इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे कैंसिल आउट करोगे। लॉन्ग प्रोसेस, ट्रेडिशनल मैथड को नहीं फॉलो करना है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो फिर करना कैसे है इसको मैं ट्रिक के साथ आपको कराऊंगा। सुनो, आप वीडियो पॉज करके वैसे इसको खुद से करने की एक बार कोशिश कर सकते हो कि इसका आंसर देख सकते हो क्या आ रहा है। ठीक, अब सुनो करना कैसे है रूल के साथ। यहां पर मैंने कुछ रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। इन रूल को पहले समझाता हूं फिर ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो रूल नंबर वन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई डिजिट है ए या कोई नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 11 के साथ, तो वही आपके पास डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे, यानी नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको लिया रूल टू समझाने के लिए, टू अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहां पर ये जो डिजिट होगी टू टू, अगर ये ए है तो ए आपको वापस मिलता है। रूल वन। रूल टू को देखोगे, अगर यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ए भी है, 101 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो राइट हैंड साइड में ए भी आपको रिपीटेशन डिजिट्स की मिलती है, यानी नंबर आपको ए भी मिलता है। तो रूल टू कैसे चल रहा है, अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई करूं वापस 101 से, तो 21 की 1 में करूंगा 21 आएगा, ठीक। 2 कैरी का 0 और 2 प्लस का तो 2 आया, और 21 की 1 में करूंगा तो 21 आएगा, यानी अगर ये ए बी है तो यहाँ पर आपको ए बी रिपीटेशन मिलता है। तो आई होप कि आपको रूल तो समझ में आ गए। ऐसे सिमिलरली आप ए बी सी के लिए चेक कर सकते हो, जब मल्टीप्लीकेशन हो रही है 101 से तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड में आपको ए बी सी मिलेगा, करके देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं ए बी। अब आउट ऑफ थ्री रूल्स आप देखोगे यहाँ पर ए बी राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं ए बी इंटू 101 के हिसाब से इसको लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा ए बी यानी 13, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इनटू ए बी आ गया और यहाँ लिखेंगे 101 में, यहाँ देखते हैं 126, यानी हम कह सकते हैं ए बी सी और ए बी सी, दैट मींस आपको राइट हैंड साइड मिल रही है रूल थ्री में। लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ए बी सी लिखोगे तो ए बी सी कौन है 126, और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 1001 से, ठीक। डिवाइड करेंगे आप डिनोमिनेटर को देखते हैं 182 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2 से करोगे तो 91 आएगा, 91 आता है 13 के टेबल में, तो 13 7 से 91 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू, रूल कौन सा लगेगा इसको अगर मैं मानूँ ए बी और ए बी, दैट मीन्स रूल नंबर 2 ए बी मिल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी यानी 63 और मल्टीप्लाई मैं करूँगा इसको 101। अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक और शेयर इसको प्लीज जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं मोटिवेट हूं और इस तरह के क्वेश्चंस स्टफ आपके लिए लेके आ सकूं, ठीक। ओके, अब सुनो मेरी बात, अब ये आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 101 से 101 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब देखो 2 की अगर आप 63 में मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आ जाएगा, तो ये 126 से 126 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए। क्या बचा 13 में से 13 कैंसिल हुआ। अब आपके पास देखो न्यूमिनेटर में क्या बचा, ऊपर 1001, डिनोमिनेटर में क्या बचा 7, आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 143 इज योर आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज ए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।